और वापस एक बार फिर रुख कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूरत दौरे से जुड़ी खबरों का। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, डायमंड सिटी में इस वक्त मौजूद है प्रधानमंत्री। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सूरत की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े डायमंड एक्सचेंज बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सूरत एयरपोर्ट की नई टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद यहां डायमंड बोर्स पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है। आज ये सूरत के एक दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं और उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री सूरत डायमंड बोर्स का। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, और इस चीज को बारीकी से समझते एयरपोर्ट पे भी हमने देखा था प्रधानमंत्री वहां जब पहुंचे, नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, उसके बारे में पूरी जानकारी ली है प्रधानमंत्री ने, और अब यहाँ सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। ये दरअसल अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया जब यहाँ पर इन्होंने प्रवेश किया। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इस तरीके से कुछ प्रधानमंत्री के सामने रखा गया इस बिल्डिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए सूरत डायमंड बोर्स का पीएम ने किया उद्घाटन। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है। डायमंड बोर्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस तरीके से डायमंड बोर्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज किया है, और करोड़ों रुपए की लागत से बनकर के ये तैयार हुआ है। विश्व भर की निगाहें इस पर टिकी हुई थी, और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उस वक्त की ये तस्वीर पीएम मोदी ने जनता को आज ये समर्पित कर दिया। और आपको ये बता दें कि एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है, और इस लिहाज से आधुनिकता तो है ही, वहीं आपको इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने के भी नए नए आयाम और नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। इसी साल अगर अगस्त की बात की जाए तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इस बिल्डिंग का नाम दर्ज हुआ था। और तो सूरत पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, और गुजरात के मुख्यमंत्री भी इनके साथ में मौजूद थे, भूपेंद्र सिंह। आपको तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत में रोड शो करने के बाद लोगों की भारी भीड़ के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायमंड बोर्स यहां पर पहुंचे, एसडीबी, जिसका उद्घाटन इन्होंने किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस प्लेस है। और सूरत डायमंड बोर्स के बारे में और ज्यादा अगर हम आपको जानकारी दें तो अंतरराष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक सेंटर है ये, केंद्र है ये, और ये कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र होगा, जहां एक्सचेंज में आयात निर्यात के लिए अत्याधुनिक सीमा शुल्क निकासी, गृह खुदरा आभूषण व्यवसाय के लिए आभूषण मॉल और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट की सुविधा होगी। पीएम मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया, और ये भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हीरा उद्योग के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा, एक बड़े कदम के तौर पे देखा जा रहा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये यहाँ पहुंचे हुए हैं। पेंटागन से भी बड़ी है ये बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, डायमंड बोर्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। 15 मंजिलों वाले कुल 9 टावर इसमें होंगे। क्या कुछ खासियत है लगातार आपको हम बता भी रहे हैं। Z News.